ने जो भी गलत फतवा लगाया था, अगर वो माने, वो तो नहीं मानेंगे। मैं भी समझता हूँ कि वो गलत नहीं थे फतवे, मैं भी समझता हूँ कि वो गलत नहीं थे। आज की गुफ्तगू में हम अल मुहन्नद और हुसामुल हरमैन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और दलायल और हकायक की रोशनी में इंशाल्लाह बताएंगे कि हुसामुल हरमैन किताब जो है इसका पस मंज़र क्या है और ये किस तरह वजूद में आई। तो ये बात याद रहे कि हुसामुल हरमैन अला मनहरिल कुफ्र वल मैन, ये किताब हरमैन तय्यबैन मक्का और मदीना के बड़े बड़े अजिल्ला उलमा मुहद्दिसीन और उस वक़्त के अकाबिर उलमा और मुदर्रसीन के की तस्दीकात और तकरीजात हैं जो उन्होंने इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह की किताब अल मोतमदुल मुस्तनद के ऊपर लिखी और उन्होंने वो तस्दीकात की हैं। यह किताब है हुसामुल हरमैन और इसमें 35 उलमाए हरमैन मक्का और मदीना के 35 उलमाए किराम के फतावाजात और उनकी तस्दीकात हैं इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की यह किताब अल मोतमदुल मुस्तनद के ऊपर। और ये अल मोतमदुल मुस्तनद किताब जो है इसमें कौन से फतवे थे और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने इसमें किन लोगों पर शरी गिरफ्त की है वो समझने के बाद इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। इस किताब में इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने उस वक्त के जो चंद मौलवी थे देवबंदियों के, जिन्होंने अपनी किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अकदस में गुस्ताखी, तोहीन और एहानत का इर्तकाब किया और गुस्ताखाना इबारात अपनी किताबों में लिखी, जिनमें से एक है अशरफ अली थानवी और ये अशरफ अली थानवी की किताब है हिफ्ज़ुल ईमान। ये किताब हिफ्ज़ुल ईमान है और इसके सफ़ा नंबर 13 की इबारत है। और इसके अलावा ये दूसरी किताब है तहज़ीरुन नास मिन इनकार असरी बने बास, बानी दारुल उलूम देवबंद कासिम ननौतवी की किताब तहज़ीरुन नास। और इसके अलावा तीसरे जो इनके देवबंदियों के आलिम थे वो थे खलील अहमद सहारनपुरी और ये उनकी किताब है बराहीन कातिया, ये किताब है बराहीन कातिया। और चौथे रशीद अहमद गंगोई और इसके अलावा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, ये पांच लोग थे जिनकी इबारात को इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ने लिया और अपनी किताब अल मोतमदुल मुस्तनद में इन इबारात को जिक्र करके इनके ऊपर शरी गिरफ्त की और जो शरी तकाजा था उस शरी तकाजे की रोशनी में इन इबारात के ऊपर आपने फतवा दिया। फतवा लिखने के बाद इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह 1323 हिजरी में जब हज्जे बैतुल्लाह की सआदत के लिए मक्का मुकर्रमा हाजिर हुए तो वहाँ मक्का मुकर्रमा और मदीना तय्यबा के बड़े बड़े उलमा के सामने अपनी किताब अल मोतमदुल मुस्तनद ये किताब पेश की और पेश करके उन्हें अर्ज़ किया कि मैंने इस किताब में इन फलां फलां मौलवियों के बारे में शरी हुक्म बयान किया और इन मौलवियों ने अपनी किताबों में ये गुस्ताखाना और कुफरिया इबारात लिखी हैं, इस पर आप जो हैं मेरी किताब को पढ़ें और इस पर तस्दीक करें। तो उस वक़्त के 35 उलमाए हरमैन ने हुसामुल हरमैन की सूरत में तस्दीकात इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की किताब पर की। अब वो इबारात क्या थी, वो इबारात उनमें कौन सी गुस्ताखी थी, क्या इहानत थी, क्या तोहीन थी, उनमें से सरे फहरिस्त पहले ये किताब देख लें। किताब का नाम है हिफ्ज़ुल ईमान और इसके लिखने वाले अशरफ अली थानवी और इस किताब के सफ़ा नंबर 13 पर अशरफ अली थानवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के इल्म गैब के हवाले से बात करते हुए लिखा है, फिर यह कि आपकी ज़ात मुकदसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल जैद सही हो तो दरियाफत तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब, अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तख़सीस है, ऐसा इल्म गैब तो जैदो अमर बल्कि हर सभी बच्चा व मजनून पागल बल्कि जमी हैवानात बहाइम के लिए भी हासिल है नाउज़ बिल्लाह ताला। इस इबारत में थानवी साहब ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के उलूमे वाफरा कसीरा को जानवरों पागलों बच्चों और मजनूनों के साथ तशबीह दी है।
और यकीनन इस इबारत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इल्म पाक की इहानत है, तोहीन है, गुस्ताखी है। अब एक इबारत ये थी और दूसरी इबारत बानी दारुल देवबंद कासिम ननौतवी की किताब है ताज़ीरुन्नास। इस ताज़ीरुन्नास किताब में कासिम ननौतवी ने अपनी इस किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से हुजूर की ख़त्म नबूवत ज़वानी का इनकार किया। तमाम मुसलमान जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं और खातमुन नबीयीन का माना है आखिरी नबी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अब कासिम ननौतवी साहब हुजूर के ख़त्म नबूवत ज़वानी का इनकार करते हुए इसी किताब के सफ़ा नंबर 41 पर लिखते हैं कि बाद हम तो सलात के कबल अर्ज जवाब ये गुजारिश है कि अव्वल माना खातमुन नबीयीन मालूम करने चाहिए ताकि फहम जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। सो आवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का खातम होना बई माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक के ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताखुर ज़मानी में बिज़ात कुछ फजीलत नहीं। नाउज़ बिल्लाह ताला कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का आखिरी नबी होना ये अवाम का ख्याल है। अहले फहम अक्लमंद जी शौर इंसान समझते हैं कि आखिरी नबी होना कोई असरन फजीलत की कोई बात ही नहीं, नाउज़ बिल्लाह ताला। और सफ़ा नंबर 65 पर जाके इन्हीं ननौतवी साहब ने लिखा है कि बल्कि अगर बिलफर्ज आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका ख़ातम होना बदस्तूर बाकी रहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी यानी हुजूर के ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो तो हुजूर पर भी ख़ातमुन नबीन है, क्योंकि ख़ातमुन नबीन का माना आखिरी नबी नहीं बल्कि अफजल नबी है। और 85 पे जाके लिखा कि बल्कि अगर बिलफर्ज बास ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर के ज़माने के बाद भी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमियत मुहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। हुजूर के ज़माने में भी कहीं और को नबी आ जाए तो तब भी नहीं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी पैदा हो जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमुन नबीयीन होने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा हो तो फिर हुजूर आखिरी नहीं रहेंगे, जबकि हुजूर तो आखिरी नबी हैं और हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अब इन इबारात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत ज़वानी यानी हुजूर के आखिरी नबी होने का इनकार है। अब थानवी साहब की किताब हिफ्ज़ुल ईमान को देख लें, ताज़ीरुन्नास को देख लें, बराहीन क़ात्या को देख लें और दीगर जिन किताबों पर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने मुआख़ज़ा किया और उन पर शरी गिरफ्त की और शरी फतवा दिया और उलमाए हरमैन तय्यिबैन में 35 उलमा ने उस पर हुसामुल हरमैन की सूरत में फतवे दिए, वो फतवे बिल्कुल बरहक थे। और इन्हीं 35 हरमैन तय्यिबैन के उलमा के फतावाजात की तस्दीक करते हुए हिंदुस्तान के तकरीबन 125 उलमाए किराम ने इसकी तस्दीक की, जो अस्सवारिमुल हिंदिया के नाम से शाया हुई। तकरीबन 125 उलमाए हिंदुस्तान ने तस्दीकात की कि हाँ बिल्कुल मक्का मदीना के उस वक़्त के जो बड़े उलमा ने जो फतवे दिए हैं देवबंदी अकाबरीन जो इन मौलवियों के ऊपर बिल्कुल बरहक हैं। अब यह है हुसामुल हरमैन की हकीकत कि हुसामुल हरमैन असल में 35 मक्का और मदीना तय्यिबा के उलमा के की तस्दीकात और उनके फतावाजात हैं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के फतवे और उनकी किताब अल मोतमदुल मुस्तनद की तस्दीक और तकरीज में। अब यह थी हुसामुल हरमैन की हकीकत और उसका पस मंजर। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिन इबारात पर और जिन किताबों पर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ने फतवे दिए हैं और जो उन्होंने इबारात समझ के उससे गुस्ताखी समझा है कि ये तोहीन रसालत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है और इससे हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार होता है, सवाल ये पैदा होता है कि आया इन इबारात से जो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने समझा है मिर्ज़ा जेलवी भी यही समझता है या कि वो नहीं समझता। तो जब हम मिर्ज़ा के रिसर्च पेपर नंबर 2 अंधाधुंध पैरवी का अंजाम को देखते हैं तो इसके पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पर, पेज नंबर 3 पर उलमा का नज़रिया नंबर 9
और पेज नंबर 4 पर उलमा का नजरिया नंबर 18। ये दोनों नजरिए, उलमा का नजरिया नंबर 9 उसमें अशरफ अली थानवी की किताब हिफ्जुल ईमान को पेश किया और हिफ्जुल ईमान की इबारत को मिर्जा जेलमी ने गैर इस्लामी माना। और इसी तरह नजरिया नंबर जो 18 जिक्र किया है उसमें यह ताजीरु नास की इबारत है जो कि कासिम नौतवी बानी देवबंद की इबारत है, उसको नजरिया नंबर 18 के तहत इसको जिक्र किया और इस इबारत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की खत्म नबूवत के मुनाफी माना है। और इसके मुकाबले में फिर कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 मिर्ज़ा ने कोड की है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन। अब ये आयत कोड कर रहा है कासिम नौतवी की ताज़ीरु नास की इबारत के मुकाबले में। ज़ाहिर है कि इस आयत में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का खातमुन नबियीन होना यानी हुज़ूर का आखिरी नबी होना बयान किया गया है और ननौतवी साहब की जो इबारत है ताज़ीरु नास की वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत हुज़ूर के आखिरी नबी होने के मुनाफी है, हुज़ूर के आखिरी नबी होने के इनकार में है। और फिर इसी इबारत ननौतवी को जिक्र करने के बाद मिर्ज़ा लिखता है कि इसी इबारत को गुलाम अहमद कादियानी ने भी अपनी झूठी नबूवत की दलील में पेश किया था। तो अब इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यह समझा कि इन इबारात में गुस्ताखी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार है और मिर्ज़ा जेलमी ने भी यही समझा है। यही समझा तो अपने रिसर्च पेपर नंबर 2 अंधाधुंध पैरवी का अंजाम में उसको जिक्र कर रहा है ना। अगर इन इबारात को गैर इस्लामी नहीं समझ रहा, ये इबारतें ऐन इस्लामी हैं, तो फिर रिसर्च पेपर नंबर 2 में जिक्र करने का मतलब क्या? आप फिर जब बात आई वीडियो रिकॉर्डिंग की या इसके अपने लेक्चर और बयान की तो उस अपने बयान में भी इसने ये कहा है कि जो मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने उलमाए देवबंद की इबारात पर फतवे दिए हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि वो फतवे गलत नहीं हैं। एक तो अपना रिसर्च पेपर नंबर 2 में इन इबारत को नकल कर रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि अहमद रज़ा बरेलवी साहब के फतवे गलत नहीं हैं। जब फतवे भी सही हैं और इन इबारात को तुम खुद गैर इस्लामी मान रहे हो तो फिर हुसामुल हरमैन के खिलाफ प्रोपेगंडा क्यों करते हो? फिर ये डंडोरा क्यों पीटते हो कि हुसामुल हरमैन में मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी साहब के तूफानी फतवे? हालांकि हुसामुल हरमैन में जो फतवे इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस्तिफ्ता की सूरत में उलमाए हरमैन के सामने एक पूरा एक जो ना वो दस्तावेजात की सूरत में उनके सामने पेश किया और अपना मौकफ पेश किया है वो दलाइल और किताबों की रोशनी में। मसलन जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की तोहीन और गुस्ताखी करता है और जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम के आखिरी नबी होने का इनकार करता है उसका हुक्म क्या है? उसका हुक्म शिफा शरीफ में दुर्र मोहतार बाहरुर रायक और दीगर हमारी अकायद की फिक की जो किताबें हैं और इल्म कलाम की किताबें उन सब किताबों में लिखा है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की तोहीन गुस्ताखी करता है या हुजूर के खत्म नबूत का मुनकर है वो मुर्तद दायरे इस्लाम से खारिज है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसे मुर्तद को ऐसे काफिर को काफिर मानना फ़र्ज है, जो ऐसे काफिर को काफिर नहीं मानता वो खुद मुसलमान ही रहता क्योंकि ऐसा काफिर ज़रूरियत दीन का मुनकर है। जो हुजूर की खत्म नबूवत का मुनकर है वो ज़रूरियत दीन का मुनकर है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की तोहीन करता है वो ज़रूरियत दीन का मुनकर है, और जो ज़रूरियत दीन का मुनकर है ऐसे काफिर को काफिर समझना ज़रूरी है और जो नहीं समझेगा वो फिर मुसलमान नहीं रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिर्ज़ा इन मौलवियों को जिनकी इबारतों को इसने अपने रिसर्च पेपर नंबर 2 में जिक्र किया है गुस्साख समझता है कि नहीं समझता, और ताज़ीरु नास की इबारत को खत्म नबूवत का इनकार समझता कि नहीं समझता? अगर समझता है तो फिर हुसामुल हरमैन के साथ इख्तलाफ किस चीज़ का? हुसामुल हरमैन के खिलाफ प्रोपेगंडा किस चीज़ का? और फिर इस हवाले से मैं एक और इबारत पेश करूंगा जो कि अशदुल अजाब मौलवी मुर्तज़ा हसन चांदपुरी की किताब के सफ़र नंबर 13 पर मौजूद है। एक है कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इन मौलवियों की किताबों से जो माना समझा गुस्ताखी वाला कि यकीनन इन इबारात में गुस्ताखी है और ख़त्म नबूवत का इनकार है, और एक मिर्ज़ा का ये समझना, और एक इबारत है अशदुल अज़ाब की सफ़ा नंबर 13 की कि मौलवी मुर्तज़ा हसन चांदपुरी
یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مناظر تھے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا، تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی، اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے۔ یعنی جو انہوں نے گستاخی والا معنی سمجھا ہے، ختم نبوت کے انکار والا معنی مولانا احمد زاہ نے سمجھا ہے، اگر اس کے باوجود وہ ان مولویوں کی تکفیر نہ کرتے تو خود کافر ہو جاتے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ آیا کہ جو احمد رضا صاحب بریلوی نے معنی سمجھا ہے وہ معنی ہے کہ نہیں، تو وہ معنی ہے اس میں گستاخی والا، اور مرزا خود مان رہا ہے، یا تو یہ نہ کہ مرزا جیلوی اس کو مانے نہ کہ نہیں یہ اس میں گستاخی والا معنی نہیں ہے، اس میں ختم نبوت کے انکار والا معنی نہیں ہے، پھر تو وہ بات کرے۔ جب خود گستاخی والا معنی مان رہا ہے، خود اس میں ختم نبوت کا انکار مان رہا ہے، تو کیا ختم نبوت کا جو انکار کرنے والا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں توہین یا گستاخی کرنے والا ہے، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کو شاباش دی جائے گی، اس پر جو شریف فتویٰ ہے وہ شریف فتویٰ اس پر دیا جائے گا؟ اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی کام کیا ہے جو ان کا شریف فریضہ تھا اور جو شریف تقاضا تھا۔ اور پھر مکہ و مدینہ کے اس وقت کے علماء نے فتوے دیے، اور ہندوستان کے 250 علماء نے اس پر فتوے دیے۔ اب جب یہ حسام الحرمین کتاب وجود میں آئی، تو حسام الحرمین کتاب کے وجود میں آنے کے بعد، اس کے بعد پھر المحنت کتاب وجود میں آئی، اور المحنت کتاب وجود میں کیوں آئی، کیا مجبوری تھی، کیا پرابلم بن گئی کہ یہ کتاب لکھنی پڑ گئی، وہ اس لیے کہ جب مکہ مدینہ کے بڑے بڑے علماء نے ان مولویوں کی عبارات پر کفر کے فتوے دے دیے، ان کی تکفیر کر دی اور کہا کہ ان کی کتابوں میں گستاخانہ مواد موجود ہے، تو ان کے لیے خفت اور بڑی ایک سبکی کا ایک ذریعہ اور سبب بن گیا۔ اب اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے، اپنی اس شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے، اور اپنے وقار کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے انہوں نے پھر ایک ترکیب سوچی، جو عقائد پہلے سے ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، جو ان مولویوں نے اپنی کتابوں میں عقیدے پہلے لکھے تھے، ان عقیدوں کو اپنی کتابوں میں لکھا رہنے دیا، صرف اور صرف وہاں علماء مکہ اور مدینہ کے سامنے سچا بننے کے لیے، اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے ایک کتاب ترتیب دی، جس کا نام ہے المحنت علی المفند۔ یہ کتاب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کے خلاف لکھی گئی، وہ اس انداز سے خلاف لکھی گئی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور ہمارے خلاف جو فتوے لیے گئے ہیں یہ فتوے درست نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں، ہمارے خلاف فتوے جو ہے نا وہ جھوٹ بول کے لیے گئے ہیں۔ اور اس میں اس کتاب کے خطبے کے فوراً بعد یہ دعویٰ کیا گیا ہے، اس کتاب کے خطبے کے فوراً بعد، کہ ہمارے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، صفحہ 31 میرے پاس جو نسخہ ہے، کہ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم علماء دیوبند جو ہیں یہ وہابی ہیں، ہمیں وہابی کہا گیا ہے، ہمارے اوپر بہتان ہے، الزام ہے، ہمیں ان لوگوں نے آ کے مکہ مدینہ کے علماء کے سامنے وہابی ڈکلیئر کیا ہے، کیونکہ اس وقت وہاں وہابی علماء کا کنٹرول نہیں تھا، اس وقت اہل سنت کی حکومت تھی، یعنی نجدیوں کی حکومت آنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو اب ان کے سامنے سچا ثابت کرنے کے لیے کہا کہ ہمیں تو یہ ایک بہتان لگا کے وہابی ثابت کیا گیا ہے۔ اب ہم اسی بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ آیا کہ علماء دیوبند کو جو اہل سنت بریلوی علماء نے وہابی کہا ہے، یہ بہتان ہے یا کہ حقیقت ہے؟ اس مسئلے کو اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہابیت کی تعریف اور ڈیفینیشن اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ وہابی کسے کہتے ہیں، وہابی کون ہوتا ہے، اور وہابی کسے کہا جاتا ہے؟ تو آسان سی بات یہ ہے کہ وہابی اسے کہتے ہیں جو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو درست سمجھتا ہو، اور ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کو عمدہ سمجھتا ہو، اس کا متبع ہو، اس کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ المحنت کتاب لکھے جانے سے پہلے علماء دیوبند جن مولویوں کے اوپر اعلیٰ حضرت نے فتوے دیے ہیں، وہ ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کو درست سمجھتے تھے یا نہیں، ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے؟ تو اس سلسلے میں یہ حوالہ پیش کرتا ہوں مکتبہ فکر دیوبند کے کتب الاقطاب رشید احمد گنگوئی کی کتاب فتاوی رشیدیہ، فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 110 پر گنگوئی صاحب لکھتے ہیں
कि इस वक्त और इन अतराफ में वहाबी मुत्तबे सुन्नत और दीनदार को कहते हैं। इन हमारे इलाके में जो बड़ा मुत्तबे सुन्नत, सुन्नत का पैरोकार और बड़ा दीनदार हो उसको वहाबी कहा जाता है। ये तारीफ कर रहे हैं गंगोई साहेब अपनी किताब फतावा रिशिदिया में वहाबी की। और फिर सफ़ा 280 पर ये जो एच एम सईद से शबा फतावा रिशिदिया सफ़ा 280 पर लिखते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को लोग वहाबी कहते हैं। वो अच्छा आदमी था, सुना है कि मजहब हम्बली रखता था और आमिल बिल हदीस था, बिदात व शिर्क से रोकता था, मगर तशदीद इसके मिजाज में थी, वल्लाहु ताला आलम। यानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नईदी वो अच्छा आदमी था और उसका मजहब हम्बली था और आमिल बिल हदीस था, बिदत और शिर्क से रोकता था। ये इबन अब्दुल वहाब नईदी की तारीफ हो रही है। और इसी किताब के सफा 280 के अगले सवाल में लिखा है कि मोहम्मद इबन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं, इनके अकायद उम्दा थे और मजहब उनका हम्बली था। अकायद उनके उम्दा थे, उनके अकायद उम्दा थे और बड़े दीनदार थे, बड़े मुत्तबे सुन्नत थे। ये वहाबियों की तारीफ की है देवबंदी आलिम रशीद अहमद गंगोई ने अल मुहन्नद के लिखे जाने से पहले। और अल मुहन्नद के लिखे जाने से पहले ये अशरफ अली थानवी साहब के कबाला और सुन लें इस सिलसिले में, ये हैं उनके मलफूजात, मलफूजात हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी के मलफूजा छपे हैं इदारा अल इस्लामियात लाहौर से कराची से। इसकी जिल्द नंबर 7 है और जिल्द 7 के सफा नंबर 80 पर मलफूज नंबर 112 है। बयान करते हैं थानवी साहब कि इस सिलसिले गुफ्तगू में फरमाया कि एक साहेब बसीरत व तजर्बा कहा करते थे कि इन देवबंदियों वहाबियों को अपनी कुव्वत मालूम नहीं। किनको? देवबंदियों वहाबियों को अपनी कुव्वत मालूम नहीं, ये अपने को हेच दर हेच नकारा समझते हैं। मुखालिफीन को इनकी कुव्वत मालूम है, यही वजह है कि मुखालिफीन इन पर हसद करते हैं, देवबंदियों वहाबियों को। और अगली जो इबारत है मलफूजात हकीमुल उम्मत की, उसके की जिल्द नंबर 2 सफा 75 और मलफूज नंबर 112 है। थानवी साहब खुद बयान करते हैं, यानी थानवी साहब को लोगों को वहाबी बनाने का इतना शौक था। थानवी साहब कहते हैं कि मेरे पास, अगर मेरे पास 10,000 रुपया हो सबकी तनख्वाह कर दूं, फिर देखो खुद ही सब वहाबी बन जाएंगे। थानवी साहब को इतना शौक था लोगों को वहाबी बनाने का कि वो कहते हैं मेरे पास 10,000 रुपया हो तो मैं 10,000 रुपये से लोगों की तनख्वाह कर दूं, तनख्वाह लगा दूं और इससे लोग वहाबी बनना शुरू हो जाएं। तो थानवी साहब न सिर्फ वहाबी थे बल्कि वहाबी गर थे, वहाबी बनाने वाले थे। और अब ये हवाले जो है ना ये बिल्कुल वाजे करते हैं कि उलमाए देवबंद अल मुहन्नद किताब लिखे जाने से पहले इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की तारीफ भी करते थे, उसकी तईद भी करते थे और उसके अकायद को उम्दा कहते थे और कहते थे ये बड़ा मुतबे सुन्नत है ये लोग, और ये शिरक कुफर और बिदत का हद करते हैं और ये बड़े दीनदार लोग हैं। और आज भी, आज भी उलमा देवबंद बड़े बड़े उलमा मुनाजरीन के मौजूद हैं, इन्होंने बकायदा किताबें लिखी हैं इब्ने अब्दुल वहाब नईदी के दिफा में, उसके हक में किताबें लिखते हैं। और जब बात आई अल मुहन्नद की, मक्का मदीना के उस वक़्त के अहले सुन्नत उलमा के सामने अपनी सफाई पेश करने की, अपनी खिफत मिटाने की, तो इस किताब अल मुहन्नद में खलील अहमद सहारनपुरी ने इसके सफा 60 पर इब्ने अब्दुल वहाब नईदी के बारे में जो राय कायम की है वो जरा समात फरमाएं। और वो वही बात है, इबारत है जो इमाम शामी रहमतुल्लाह ने, जो कि फिकह हनफी की किताब है, उस फतावा शामी में इब्ने अब्दुल वहाब नईदी के बारे में लिखा है कि इब्ने अब्दुल वहाब नईदी और उसकी तारीख, ये खारजियों का एक ग्रोह है और ये अपने अलावा बाकी मुसलमानों को मुशरिक समझते हैं और ये जो है ना मुसलमानों का खून बाना हलाल समझते हैं। वही फतावा शामी की इबारत यहाँ खलील अहमद सहारनपुरी ने नकल कर दी। पहले क्या लिखा है कि इब्न अब्दुल वहाब नईदी बड़ा मुतबे सुन्नत और दीनदार लोग हैं और उसके अकायद उमदा थे, और अब जाके जब अल मुहन्नद की बारी आई वहाँ उलमा के सामने सच्चा साबित होने की, तो वहाँ लिख दिया कि इब्न अब्दुल वहाब नईदी जो है इसकी तारीख ये तो खारजी लोग हैं। ये एक दोगला पॉलिसी की मैंने आपके सामने मिसाल रखी है। जहाँ तक बात है इमाम अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह की इनको वहाबी कहने की और ये कहना कि उन्होंने हमारे ऊपर इत्तेहाम और तोहमत लगाई है, ये बिल्कुल बात गलत है। उनका उलमा देवबंद को वहाबी कहना, खुद उलमा देवबंद अपनी जबानी अपने आप को वहाबी लिख रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हमारे पास 10,000 रुपया, थानवी साहब कहते हैं मैं लोगों की तनख्वाह लगा दूँ और लोगों को वहाबी कर लूँ।
और ये एक मिसाल है। अच्छा दूसरी मिसाल समझे कि ये फतावा रशीदिया है, फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोई देवबंदी कुतुबुल अकताब जिनको लिखते हैं इनसे पूछा गया सफ़ा 130 और 31 पर मौजूद है कि महफिल मिलाद के बारे में कि जो मिलाद की महफिल मुसलमान करते हैं आया ये मिलाद की महफिल करना जायज़ है कि नाजायज़ है। तो गंगोई साहब लिखते हैं कि इन एकाद मजलिस मौलूद यानी मिलाद की महफिल इन एकाद मजलिस मौलूद हर हाल नाजायज़ है, हर हाल में नाजायज़ है, किसी सूरत में जायज़ नहीं है। और फिर सफ़ा 131 पर लिखते हैं कि सवाल ये हुआ कि महफिल मिलाद जिसमें रिवायतें सहिया पढ़ी जाएं और लाफो गुजाफ और रिवायतें मौजूआ और काजबा ना हों शरीक होना कैसा है, जिस मिलाद की महफिल में जूठी रिवायतें ना हों और इस तरह की जो ना वो गलत किस्म की रिवायतें मौजू किस्म की रिवायतें ना पढ़ी जाएँ सही रिवायतें पढ़ी जाएँ मिलाद की महफिल हो तो उसमें शरीक होना जायज़ है या नाजायज़ कैसा है। तो गंगोई साहब लिखते हैं कि नाजायज़ है बसबब और वजू के, यानी हर सूरत में हर हालत में नाजायज़ है। अब ये था अकीदा उलमा देवबंद का अल मुहन्नद लिखे जाने से पहले। और जब ये किताब अल मुहन्नद लिखी गई तो खलील अहमद सहारनपुरी ने वहाँ उलमा अरमैन के सामने सच्चा साबित होने के लिए और अपनी खिफत मिटाने के लिए इस किताब के सफ़ा नंबर 123 पर लिखा कि बिल्कुल हम तो मिलाद की महफिल को जायज़ समझते हैं। पहले क्या लिखा, हर हालत में नाजायज़ है, और अब अल मुहन्नद में क्या लिखा कि हम इसको जायज़ समझते हैं। अब एक और तीसरी इसकी मिसाल समझ लें कि ये सिर्फ अपनी खिफत मिटाने के लिए अल मुहन्नद दफ़ुल बख्ती के लिए लिखी गई है। वो तीसरी मिसाल है कि आप तक़वीतुल ईमान किताब उठाकर देख लें, फतावा रशीदिया उठाकर देख लें, उलमाए देवबंद की किताबों में असहाबे कबूर से फैज़ लेना और उनकी अरवा से इस्तिमदाद या इस्तियानत या इस्तिगासा इसको बकायदा इन्होंने शिरक लिखा है। लेकिन चूंकि उस वक्त मक्का मदीना में अहले सुन्नत उलमा थे इस्तिगासे को इस्तिशफा को वो जायज़ समझते थे और जो इसका मुनकर था वो उसको वहाबी समझते थे। अब उनके सामने जब अपना सुन्नी होना साबित करना था तो उनके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इस किताब के सफ़ा 58 पर खलील अहमद सहारनपुरी ने लिखा है कि अबरहा मशायख की रूहानियत से इस्तिफादा और इनके सीनों और कब्रों से बातनी फ्यूज़ पहुँचना सो बेशक सही है, मगर इस तरीक से जो इसके अहल और ख़ास को मालूम है, ना इस तरह से जो अवाम में राइज है। यानी कहते हैं असहाबे कबूर से रूहानी और बातनी सीना बसीना फैज़ लेने को भी हम जायज़ समझते हैं। पहली किताब में शिर्क लिखा, उसको बिदत लिखा, और अब उलमा हरमैन के सामने सच्चा साबित होने के लिए दफोल वक्ती के लिए अपनी खिफत में टाने के लिए कह दिया कि ठीक है जी हम इसको जायज़ समझते हैं। तो ये है अल मुहन्नद की हालत और ये इसकी हकीकत है। जबकि बेहमद तारा अल्लाह के फजल करम से ये दोगला पॉलिसी आप पहले सुनत बरेलवी में नहीं देखेंगे। अल्लाह के फजल करम से जो हमारे इमाम ने और अहले सुनत के बड़े उलामा ने उस वक्त फैसला दिया हम आज भी उसी पर खड़े हैं, हम आज भी उसी पर खड़े हैं। लेकिन जो फैसला जो फतवा जिस अंदाज से दिया गया जिन मौलवियों के बारे में फतवा दिया गया बेहमद तला हम उसी पर खड़े हैं। ना हमारे अंदर मुनाफ़त है, ना दोगला पॉलिसी है, ना दोगलापन है, ना हमारे अंदर चापलूसी है। अल्लाह के फजल करम से हमारा चूंकि ईमान अकीदे का मसला है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ना वो शान अकदस का मसला है, हुरमत रसूल का मसला है, हुजूर की खत्म नबूवत का मसला है, तज़ीम मुस्तफ़ा अदाब रसालत का मसला है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अकदस की तोहीन या गुस्ताखी करेगा या हुजूर की खत्म नबूवत हुजूर के आखिरी नबी होने का मुनकिर होगा वो चाहे कोई हो, बरेलवी हो या देवबंदी, लीगी हो या नेचरी, वो चाहे वो नदवी हो या कोई कोई और हो, अपना हो या बेगाना हो, कोई हो, हम इस मसले में अपने पराये का कोई इम्तियाज और फर्क अल्लाह के फजल करम से नहीं करते। तो जिस तरह हमारे अकाबरीन खड़े थे आज इतने साल गुजरने के बाद भी हम बेहमद तला उसी पर खड़े हैं। हम ये नहीं कि पहले कुछ और कहते हैं बाद में कुछ और। एक जगह पे इमाम अहमद रज़ा बरेलवी को ये लोग जो है वो पता नहीं किस तरह जदोकोब करते हैं और दूसरी जगह पे कहते हैं नहीं जी हम तो बड़ा तज़ीम के साथ एहतराम के साथ नाम लेते हैं। आज भी इनके मुनाज़रीन का हाल देख लें। तो अब रह गई बात मिर्ज़ा इंजीनियर की। इंजीनियर जो है ये इस मसले में वो किस मकाम पर खड़ा है, ये उसका रिसर्च पेपर नंबर 2 है,
इसमें इन्हीं इबारतों को जिनको इमाम अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने गुस्ताखाना और कुफरिया करा दिया है, इनको नकल भी किया है, और खुद ये कहा भी इसने कि मैं हुसामुल रहमान के फतवे को गलत नहीं कहता, अहमद बरेलवी साहब के फतवे को गलत नहीं कहता। जब फतवे को गलत नहीं कहते, इबारतों को तुम खुद गैर इस्लामी मान रहे हो और उनको मान रहे हो कि ये इसमें जो ना वो खत्म नबूवत का इनकार है, तो हीन रिसालत है, तो फिर चापलूसी को करते, फिर हुसामुल रहमान के खिलाफ बोलते क्यों? अब मिर्ज़ा दजल यहाँ ये करता है कि हुसामुल हरमैन में इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने जो अरबी किताबों से जो फतावे नकल किए हैं कि गुस्ताख रसूल के हवाले से और ख़त्म नबूवत के मुनकर के हवाले से, वो इबारत दिखाता है और उसमें अपनी तरफ से पच्चर लगाता है। वो आप बिलखसूस उसमें से जो हुसामुल हरमैन है उसका सफ़ा नंबर 76 है, उस 76 नंबर सफ़ा निकाल लें, यहाँ पड़ी थी ये किताब है हुसामुल हरमैन छपी जो उर्दू में, इसका सफ़ा नंबर 76 है। यही सफ़ा जो है वो इसका स्कैन पेज दिखाता है, उसमें ये तो ज़रूर है कि जो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोहीन गुस्ताखी करने वाले, उन पर यही हुक्म है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं और उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आगे पचर ये लगाता है, वो कहता जी कि वो सब वाजिबुल कत्ल है, हालांकि वो सफा नंबर 76 पर ना तो वाजिबुल कत्ल होने की कोई बात है क्या, बल्कि इसी किताब ये देखें हुसामुल रहमान जिसका ये स्कैन पे दिखाता है, इसके सफा नंबर 103 पर आला रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जान लीजिए कि दुनिया में गर्दने मारना यानी किसी को कत्ल करना और शरी हदूद को नाफिज करना, दुनिया में गर्दने मारना बस हुकाम ही के सपुर्द है ना आम रियाया के, जिस तरह आखिरत में अजाब देना सिर्फ जुल जलाल वल इकराम के हाथ है। यानी गर्दने मारना, हदूद शरिया को नाफिज करना, किसी को जो है ना वो सजा शरी देना, ये हाकिम का काम है, ये आम रियाया का काम नहीं है। और यही आला रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा जात में बयान फरमाया। अब ये सारी चीज़ें वाजे हो जाने के बाद ये मिसालें तो देता है, ये उलमा देवबंद एक जगह पर कहते हैं ये अहमद बरेलवी साहब को अल मुफन्नद सठियाया हुआ बाबा कहते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम तो उनका बड़े इज्जत एहतराम के साथ नाम लेते हैं, ये दोगलापन करते हैं। तो ये दोगलापन तो तुम खुद करते हो, ये दोगलापन तो इंजीनियर मिर्ज़ा मुहम्मद अली खुद करता है कि एक तरफ अपने रिसर्च पेपर नंबर 2 में उन्हीं उलमा देवबंद की इबारत को गैर इस्लामी गैर शरी साबित करता है, और दूसरी तरफ ये कहता है कि हुसामुल रहमान का फतवा जो है मैं उसको गलत नहीं कहता, और तीसरी जगह पे ये कहता है कि देखें जी अहमद बरेलवी साहब के तूहानी फतवे, तूफानी फतवे, इतने सख्त फतवे दे दिए।